हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस FND का जो ये वूफर है जिसमें ऑक्स का ऑप्शन है और जो ये LED है इसमें ऑप्टिकल केबल का ऑप्शन है कि इसको कैसे कनेक्ट करना है कन्वर्टर के जरिए। मुझे फील हुआ कि वो एक लेंथी सा प्रोसेस है और थोड़ा कॉस्टली भी है, थोड़ा बजट को हिला भी सकता है क्योंकि वो नियर अबाउट 1000-1200 के नियर अबाउट आपको ये सारा प्रोसेस पड़ रहा था। तो गाइस, हम एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। हमने इस FND के जो है वूफर है इसमें एक ब्लूटूथ चिप फिट करी है जिसमें आप ब्लूटूथ इसमें ऑडियो अपने फ़ोन के ज़रिए आप TV को कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आइए देखते हैं कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। जो हमारा FND का सब वूफर है इसमें पहले ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं था, तो हमने एक चिप फिट किया है, ब्लूटूथ वाली चिप, तो उसके जरिए इसको ब्लूटूथ वाला फीचर मिल गया है। तो आप अभी बिना वायर से इसमें साउंड प्ले कर सकते हैं। तो गाइस, हमने जैसे TV ऑन किया है, तो गाइस हमने अपना LED TV ऑन किया है, तो आप यहां देख सकते हैं हम इसको इंटरनेट पे कनेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेट लोडिंग, तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा LED TV इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। तो हम आपको YouTube प्ले करके दिखा रहे हैं। YouTube पे कोई सॉन्ग प्ले करेंगे तो पहले साउंड आएगा LED में और जब हम ब्लूटूथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हमारा साउंड आएगा वूफर में से। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने FND का जो हमारा ब्लूटूथ वाला स्पीकर है हमने TV के साथ अटैच अभी किया नहीं है, तो उसको अटैच करने के लिए आप देख सकते हैं ये हमारे पास सैमसंग का रिमोट है। तो अब हम इसमें सेटिंग खोलेंगे, सेटिंग के बाद हम साउंड पे जाएंगे। साउंड के बाद हमने साउंड आउटपुट स्पीकर TV स्पीकर पे किया हुआ है, तो हम अगर TV स्पीकर करते हैं तो TV में से आउटपुट आएगी और हमने यहाँ पर स्पीकर लिस्ट सर्च करना है। स्पीकर लिस्ट में हमारे ब्लूटूथ का नाम है 3.0 BT, तो हमने ये पेयर किया तो ये कनेक्ट हो चुका है 3.0 BT से। तो हम गाइस अभी क्लोज कर सकते हैं इसको। तो हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो साउंड का आउटपुट है वो 3.0 जो हमारा BT है इसमें से आएगा। तो आइए हम इसको क्लोज करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने अपना ही चैनल ओपन किया तो आपको हम वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। कितना टाइम चलेगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी हमने ब्लूटूथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो जो इसकी सारी साउंड है हमें स्पीकर से चलानी दे रही है की जरूरत पड़ती है। जस्ट एक सेल के जोर पे चलता है, जितनी एक बैटरी होती है सेल होता है। तो अब इसको ओपन करते हैं और इसकी अंदर की बैटरी देखते हैं। हम इसे साउंड भी कम कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 3.0 BT आ रहा है अपनी पीस की तरह, और इसकी साउंड भी अभी कम हो रही है। आपको एक राइट और लेफ्ट इन दोनों को प्रेस करना है, और अगर हमें साउंड कम या ज़्यादा करनी है तो हम अपने वूफर के स्पीकर से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्पीकर से साउंड इंक्रीज करी है और हम यहाँ से बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं साउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं साउंड बंद हो गई है, और आप देख सकते हैं हमने कोई भी कुछ भी ऑक्स कुछ नहीं कनेक्ट किया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वीडियो में, ये दोनों जो केबल कनेक्ट हैं ये स्पीकर की हैं जो आउटपुट देती हैं, और ये जो मेन वायर है ये हमारे वूफर को इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई दे रही है, और जो ये नीचे वायर जा रही है वो ये LED को पावर सप्लाई दे रही है, और ये ब्लूटूथ के जरिए आप कनेक्ट हो चुका है। और गाइस, अगर आपको ये ब्लूटूथ वाला कनेक्शन करना है तो आपको ये ब्लूटूथ चिप इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, और ये हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये कैसे कनेक्ट करनी है, वो आप हमें पूछ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम आपको ये चिप दिखाते हैं, ये चिप का साइज़ कितना है, ये चिप कहाँ फिट होती है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने जो FND का 8521 वूफर है इसको हम ओपन कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि ब्लूटूथ की चिप ये कैसे फिट और कहाँ फिट होती है। तो गाइस, ये पूरा बोर्ड है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे वूफर का पूरा बोर्ड है, और ये जो ग्रीन वाली है ये हमारी ब्लूटूथ की चिप है जो कि वायरिंग से कनेक्ट है, ये आप इसके बैक साइड देख सकते हैं। तो गाइस, ये चिप है,
जो हमने यहाँ पे डबल साइड टेप के जरिए यहाँ पे चिपकाई हुई है। तो गाइस ये चिप आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से परचेज कर सकते हैं और वही उनका टेक्नीशियन आपको ये फिट भी करके दे देगा। अगर गाइस आपको ये चिप नहीं मिल रही है और ये चिप आपको हमारे चैनल के जरिए या हमसे चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको ये चिप प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।